आदरणीय सुमित गिरी के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आप इसमें देख रहे हो बीकानेर में निदेशक कार्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा शिक्षा विभागीय मंत्रालय के सहायक कर्मचारी राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के कार्यक्रम का विवरण। और इसमें आप दूसरा पार्ट देख रहे हो, पहले पार्ट में आपने देखा कर्मचारियों को सम्मानित की प्रक्रिया में पहला भाग जो आयोजित किया गया। दूसरे पार्ट के अंदर शिक्षा मंत्री महोदय बी डी कल्ला जी यहाँ ने शिरकत की और उन्होंने सभी को सम्मानित किया और शॉल के बाद में प्रतीक चिन्ह और जो चेक है वो वितरित किए। तो आप इस पूरे वीडियो में उस आगे के पार्ट का विवरण देखोगे और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और सम्मानित होने वाले राज्य स्तरीय 39 कर्मचारियों के इस पूरे कार्यक्रम की जो झलक है आप इस पूरे वीडियो में अंत तक देखोगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही ज़बरदस्त और आकर्षित वीडियो एवं ब्लॉग देखते रहने के लिए इस चैनल को प्रोत्साहित जरूर करें और अंत तक अवश्य बने रहें। धन्यवाद। पार्ट है अगर हमने अपने पास रख लिया और इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करवाया आने वाले समय में, तो शायद बीकानेर की दशा और दशा इससे बदल सकती है। बीकानेर शिक्षा विभाग का सिरमौर बना राजस्थान का, और आज गर्व की बात है कि हम राज्य स्तरीय सम्मान समारोह शिक्षा निदेशक में आप सबकी उपस्थिति में हम यहाँ मना रहे हैं। राज परिवार ने ना केवल अपने को शिक्षा विभाग को यहाँ लाने का काम किया राज्य स्तर के, बल्कि एक और महत्वपूर्ण रोल अदा किया कि इसका संचालन कहाँ हो। तो जो हमारा हेरिटेज, हमारा गर्व, हमारा अभिमान कह सकते हैं कि जिस बिल्डिंग को हम देखते हैं कि जो 115-20 साल में वो लाल पत्थर जो है उसको देखते ही सीना चौड़ा हो जाता है, उसकी कलाकारी, कितने लोगों की वर्षों की मेहनत, उन सब के बाद इस तरह की भव्य इमारतें तैयार होती हैं। इसका आर्किटेक्ट दूर से आने वाला जब एक फोटो खींच के ले जाता है तो उसको याद रहता है कि साहब मैं ऐसी बीकानेर जाके आया था, विभाग शिक्षा विभाग जाके आया था। आप देख रहे होंगे आपको जो प्रशस्ति मिली है, जो उसके ऊपर भी हमारा बिल्डिंग मुख्य प्रशासनिक भवन अलग बन चुका है, परंतु फिर भी इस प्रशस्ति में सबसे ऊपर उसी को जगह है। और वो बिल्डिंग राज परिवार ने कि विभाग का राज्य स्तरीय उसके लिए विभाग को समर्पित की। तो आज हम ऐसे राजे महाराजों जिनकी ऐसी सोच, उनको भी आप सबकी तालियों के साथ में हम सम्मान करते हैं कि जिस सोच के साथ हम स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र राज्य में, स्वतंत्र देश में हम साथ चल रहे हैं, उसमें हम शिक्षा विभाग कहाँ अदा कर सकते हैं। केवल शिक्षक जो चौक लेके बोर्ड में जो पढ़ाता है वो इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब उसके निजी काम, उसके विद्यालय के काम, वो सारे के सारे रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला हमारा जो मंत्रालय कर्मचारी है, चाहे वो सहायक कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे मंत्रालय कर्मचारी, चाहे वो कनिष्ठायक हो, वरिष्ठायक हो या उसके ऊपर की जो कड़ी, वो सब उनके कामों को जब पूरा रखती है तो वो बिना किसी चिंता के उसको रहता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाई का काम आराम से करा सकूं। और उसके लिए आज हम बड़े सम्मान के साथ आपके कर्तृत्व के कारण, जो काम आपने किया है उस कर्तृत्व के कारण बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले और आपको आपके काम का जो सम्मान है वो हमारे विभाग के मुखियाओं के द्वारा मिले, इसके लिए आज हम वेटनरी ऑडिटोरियम बीकानेर में आप सबके बीच में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप जो बीकानेर के लाडले ही नहीं राजस्थान की राजनीति में अपना एक अलग महत्व रखते हैं, आदरणीय डॉक्टर बी डी कल्ला साहब के हाथों से और माननीय निदेशक महोदय के कर कमलों से और विभाग के उन मुखियाओं की तरफ से आज इस मंच के माध्यम से आपका सम्मान किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में हमारे बीच में जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माननीय कल्ला साहब, और इस सम्मान की परंपरा को न केवल आपकी प्रशस्तियां जब उनके कानों में पड़ेगी तो वो केवल आपके लिए, न केवल आपके लिए गौरव के पल होंगे, बल्कि वो मंत्रालय कर्मचारी एवं सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह 2022 का हम सभी के बीच हमारे मुख्य अतिथि
पढ़ाने वाले हैं। रन साउ रन राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर बी डी गल्ला साहब, शिक्षा निदेशक श्री गौरव अग्रवाल साहब, श्रीमती रचना भाटिया जी अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री अशोक कुमार जी मीणा अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, श्री संजय धवन जी वित्तीय सलाहकार और श्री धर्मेंद्र जी जोशी संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मंच का स्वागत। सम्मान के लिए पधारे और चूंकि हमारी मरुभूमि की और पूरे राजस्थान की और भारतवर्ष की परंपरा है अतिथि सम्मान अतिथि देवो महोदय से आग्रह करूंगा कि वो शिक्षा मंत्री महोदय का साफा फैला के आज के इस कार्यक्रम में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से कि वो आए तो माननीय निदेशक महोदय का साफा पहना के उनका सम्मान करें। मेरा अगला निवेदन रहेगा श्रीमती शाम का श्री भूपेंद्र सिंह जी चौहान अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी वो पधारे और एलिमेंट्री एडिशनल डायरेक्टर सर श्री अशोक जी मीणा साहब का साफा पहना के उनका सम्मान करें श्री भूपेंद्र जी चौहान साहब। कार्यक्रम की जो गरिमा है उस गरिमा अनुसार बैच जो हमारे सम्मानित अतिथि है बैच आप सबकी गरिमा में और जोरदार उपस्थिति और तालियों के बीच माननीय मंत्री महोदय का हम पूरे विभाग की तरफ से सम्मान करते हैं। मेरा अगला निवेदन रहेगा श्री कमल नारायण आचार्य साहब का कि वो पधारे और आदरणीय गौरव जी अगर मेरा अगला निवेदन पुनः सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री गिरिजा शंकर जी आचार्य और एलिमेंट्री एडिशनल डायरेक्टर सर अशोक कुमार जी मीणा साहब का स्वागत सम्मान। मेरा अगला निवेदन रहेगा श्री नवरत्न
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ सरस्वती के चरणों में नमन। सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, सम्मानित मंच पर राष्ट्रीय और यशस्वी शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, निदेशक महोदय और मंच पर उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थार मरुस्थल के उत्तरी पश्चिमी संभाग मुख्यालय बीकानेर में आपका स्वागत और अभिनंदन। संपूर्ण राजस्थान में विभिन्न कलाओं के साथ शिक्षा निदेशालय की स्थापना के लिए बीकानेर अपने आप में प्रसिद्ध है और इसी प्रसिद्धि के साथ हम आज आप सभी के साथ 30वां शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय मंत्रालय एवं सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसकी उपस्थिति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाल ही में राज्य के योग्य युवाओं और योग्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया है। इन्हीं योजनाओं का लाभ हमें निरंतर मिलता रहता है। इसी के क्रम में तत्कालीन महाराजा बीकानेर साधु सिंह जी के कर कमलों द्वारा बीकानेर के शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई। तत्कालीन महाराजा द्वारा उनके शासनकालीन विधानसभा भवन में परिसर हमें ये उपलब्ध करवाया गया कि हम बीकानेर में राजस्थान की संपूर्ण शिक्षाओं का हेड ऑफिस स्थापित करें, यह शर्त हमारे प्रोग्राम के लिए थी। युवाओं में प्री डीएलएड और डीएलएड की ओर रुझान बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप प्री डीएलएड और डीएलएड के संपूर्ण कार्य का कार्यभार बीकानेर में स्थित निदेशालय में संचालित किए जाने के निर्देश माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए हम व्यक्तिगत तौर पर माननीय मंत्री महोदय का साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मंत्री महोदय से कि हमारे निदेशालय में खाली भूमि पर इसका निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। साथियों, दिनांक 1/1/98 को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का पृथकीकरण किया गया, जिसके फलस्वरूप दो निदेशालयों का निर्माण हुआ, जिसका एक ही परिसर है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एक ही परिसर में बीकानेर में संचालित हो रहा है। वर्तमान में शिक्षा निदेशालय के निदेशक के रूप में श्री गौरव जी अग्रवाल सर IAS कार्यरत हैं। आप श्री के सानिध्य में शिक्षा विभाग नए पायदानों को छू रहा है। आप द्वारा नवाचार के रूप में ई फाइलिंग प्रोसेस की अनूठी पहल की गई है, क्योंकि स्वयं आप IT के ज्ञाता हैं, जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से समस्त कार्मिकों और शिक्षा विभाग को मिल रहा है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पृथकीकरण के दौरान हुए निर्णय के अनुसार राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समारोह एवं राज्य स्तरीय मंत्रालय कर्मचारी सम्मान समारोह के आयोजन का दायित्व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को सौंपा गया, जिसके फलस्वरूप आज हम सभी आपकी उपस्थिति में 30वां राज्य स्तरीय मंत्रालय कर्मचारी सम्मान समारोह वर्ष 2022 का आयोजन माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुल्ला की दास जी कल्ला के आतिथ्य एवं वर्तमान निदेशक महोदय श्री गौरव जी अग्रवाल की अध्यक्षता में आप सभी के साक्ष्य में आयोजित करने जा रहे हैं। साथियों, इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आगाज श्री ललित के पवार जी के सानिध्य में 30 मई 1990 को हुआ था, जिसके दौरान वर्ष 2021 तक संपूर्ण राज्य के 938 उत्कृष्ट कार्मिकों को यह पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2000 का आयोजन माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुल्ला की दास जी कल्ला की अध्यक्षता में आप और हम सभी के साक्ष्य में आयोजित होने जा रहा है। आज इस प्रोग्राम में 39 उत्कृष्ट कार्मिकों का सम्मान किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राजस्थान के हजारों विद्यालयों एवं शिक्षा निदेशालय सहित मंडल स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, सचिवालय स्तर और शिक्षा संकुल सहित कार्यालयों में हजारों मंत्रालय कर्मचारी और सहायक कर्मचारी का तक के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ है, वो है हमारी पदोन्नति का। तो इसके लिए मेरा समस्त उपस्थित साथियों से निवेदन है कि वे स्टैंडिंग ओवेशन दें, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें स्टैंडिंग ओवेशन में।
ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सर ने हमारे प्रमोशन दिए हैं, हमारे आज हम अधिकारी बने हैं। इसके लिए मंत्री जी का और निदेशक महोदय का हार्दिक साधुवाद। आज हम राजस्थान में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा 1000 मंत्रालय कर्मचारियों और 10,500 सहायक कर्मचारियों में से श्रेष्ठ कार्य करने वाले, उत्कृष्ट कार्य करने वाले मात्र 40, जिसमें से आज 39 कार्मिकों का गरिमामय समारोह में सम्मानित करते हैं। मैं गर्व महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग इतना बड़ा महकमा है और इस विभाग में राजस्थान का एकमात्र महकमा है जिसमें इतने बड़ी संख्या में कार्मिकों को सम्मानित किया जाता है। तो इसके लिए हम राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय और यशस्वी और तेजस्वी शिक्षा मंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सम्मानित होने वाले समस्त कार्मिकों की उत्तरोत्तर प्रगति और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हमारे विभाग के जो काम कर रहे कार्मिक हैं, वो अपने कार्यों की गुणवत्ता को, आप लोगों की जो है प्रशस्ति को पढ़ के उनके अंदर भी वो भाव आए कि साहब हम भी विभाग के लिए एक अनुकरणीय कार्य करें। शोरदार तालियों के बीच में सम्मानित मंच की तरफ से प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है। जी हाँ, 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी, 4.5 लाख से अधिक जो स्टाफ है शिक्षा विभाग का और करोड़ों करोड़ परिवार जो विभाग से जुड़े हुए हैं, उन सभी की भावनाएं आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। और श्री आचार्य ने अपनी राज्य सेवा समिति के रूप में अप्रैल 2004 से प्रारंभ की। आपको कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऑनलाइन कार्यो संबंधी कार्यो का समय पर निष्पादन करने के हेतु श्री भूपेश आमेटा निजी सहायक कार्यालय निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। श्री सावंत सिंह सहायक कर्मचारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पूर्व राजस्थान। कपिल देव शर्मा वही सहायक भरतपुर स्मार्ट भरतपुर रेडियो से बहुत ही हमारे और लक्ष्मी आगे का निकाली हैं। आप श्री जाकिर हुसैन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, श्री हरीश पालीवाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहित निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर, जिलों की नगरी उदयपुर से श्री हरीश पालीवाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहित निदेशक स्कूल। किसी कड़ी में आगे श्री खेतराम सहायक कर्मचारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मिर्जो वाला श्री गंगानगर। जब भी सहायक कर्मचारियों का जिक्र होता है उनको राज्य स्तरीय समाज समारोह से सम्मानित किया जाता है। कोई कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मिर्जी वाला श्री गंगानगर। श्री देवेंद्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग। संदीप मेहरा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कोटा वही सहायक कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सातपुरा कुंभड़ा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुभकामनाएं श्री भावी प्रसाद जी शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। श्री गौरव कुमार काठपाल वरिष्ठ सहायक राजकीय माध्यमिक विद्यालय मनकारना कला श्री गंगानगर।
राजस्थान के गौरव कुमार जी कार्यपाल मेहनानगर से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, उत्कृष्ट कार्य करो आप। कर्तव्य ध्वनि के साथ में स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय, हमारे मुख्य अतिथि हैं आज सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दफ्तरी चौक बीकानेर, वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा झालावाड़, श्री पेपा राम जी जमादार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा जालो, सहायक कर्मचारी कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, श्री ब्रज मोहन पारिक सहायक कर्मचारी कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, शिक्षा विभाग जबकि विभाग का सब शिक्षा बाड़मेर से श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर, इसी क्रम में आगे श्री शिव लहरी शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रायपुर पाली निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग चूरू, चूरू से श्री नरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जेडी ऑफिस चूरू, आप सभी साथियों को अभिनंदन का स्वागत सम्मानित करते हुए विभाग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। श्री अमन परिहार वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहित निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर से श्री अमन परिहार वरिष्ठ शिक्षा, श्री हनुमान प्रसाद व्यास सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, तालियां तो बनती है साथियों, ये वो कार्मिक है मुख्यालय प्रांत अधिकारी कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं समग्र शिक्षा, मेरे पास सूची में अंतिम नाम आ रहा है श्री किशन लाल बंसीवाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग चूरू। आज हमने हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर बी डी कला साहब के सानिध्य में उन 39 मंत्रालयों और हीरो का अभिनंदन स्वयं माननीय मंत्री जी निदेशक महोदय और मंच के कर कमलों से प्राप्त किया, धन्यवाद। आज के इस शानदार कार्यक्रम के पश्चात जो सम्मानित हुए और जो हम यहाँ इस मंच में मौजूद हैं ऑडिटोरियम में, अब मेरा आग्रह रहेगा हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया और शिक्षा विभाग के हैं उनको आशीर्वचन दें। आदरणीय बी डी कल्ला साहब शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, आप सबकी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। प्रिय श्री गौरव अग्रवाल जी निदेशक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, माननीय श्रीमती रचना भाटिया अतिरिक्त निदेशक, और सरस्वती जी के पूजन के बाद दीप प्रज्वलन हुआ। दीप प्रज्वलन क्यों करते हैं? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्व बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन करने से शुभ होता है, मंगल होता है, कल्याण होता है, आरोग्य बढ़ता है, धन संपदा बढ़ती है, और कोई इस कार्यक्रम के प्रति शत्रु बुद्धि रखता है तो उसका विनाश हो जाता है। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। इसलिए हम दीप प्रज्वलन करके अग्नि साक्षात देव है, हिंदुओं में कहा है अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, ये साक्षात देव है। इसलिए इनकी साक्षी में ये कार्यक्रम आज शुरू हुआ। मैं सबसे पहले आज इन 39 हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ है उनका अपनी ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। देखिए आज का जमाना हेल्दी कॉम्पिटिशन का जमाना है, जो मेहनत करता है
जो व्यक्ति परिश्रम करता है तो लगन से काम करता है, गुड्स डिलीवर करता है, उन लोगों का जमाना है। आलसी, निठल्ले अथवा ये कहना चाहिए कि अजगर करे जागरी पंछी करे निकाम, दास बंधु का कहेंगे सबके दाता राम। तो वर्क इज वर्शिप का जमाना है, इसलिए आपने देखा होगा कि 39 लोगों का चयन करके आज उनका सम्मान किया गया, और इससे उन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो इसके योग्य बन सके और इनकी तरह अगले वर्ष उनका सम्मान हो सके, इसलिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। हम लोग निरंतर काम करें, कुछ डिलीवर करें, लोगों के आंसू पहुंचे। मैंने देखा है, मैं पिछले आप समझो 41 वर्ष से प्रशासनिक कामों को वक्तन मैंने देखा है। 23 वर्ष तो लगातार मंत्री के रूप में मैंने कामों को देखा है। कई लोग फाइलों को रोज निकाल देते हैं, कई लोग फाइलों को लेकर दबा देते हैं। मन से, वचन से, कर्म से लोगों की सेवा करें। बहुत से लोग आते हैं, उनकी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे शिक्षा विभाग के लोग सेवा धर्म को अपनाएंगे, और जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा उसकी समस्या का यथोचित प्रभावी समाधान करेंगे। शिक्षा विभाग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, कर्मचारियों को, कार्मिकों को, इस समारोह में आपने आपके बीच में आने का मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बी डी गल्ला साहब। मंच पर उपस्थित मेरे सभी साथी अधिकारीगण, आज सम्मानित होने वाले सभी बंधु और हमारे ऑडियंस में विराजमान सभी महानुभाव, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप आज इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के अंदर आप सबने प्रदान कर इस कार्यक्रम की गरिमा आपने बढ़ाई है। इन चमचमाते हुए सांपों को देखकर सारे जो सम्मानित अपने जो बंधु हैं उनके चमचमाते हुए सांपों को देखकर एक अलग ही इस कक्ष के अंदर एक अलग ही बात आ जाती है। आप सबके जो है मुस्कुराते हुए चेहरे एंड जो आप सबके अंदर जोश है, जो आप सबके अंदर जिस तरह से आपने उत्कृष्ट रूप से कार्य किया उसको आगे जाके और आपको जो है बढ़ाने की जो ललक है, तो सबको मेरा सादर नमन। और से जो रहे हैं कि आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, हम सबका हौसला बढ़ाया, आदरणीय श्रीमती रचना भाटिया अतिरिक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा को स्मृति चिन्ह के लिए मेरा आग्रह रहेगा। अभिनंदन किया, बहुत बहुत जोरदार तालियों से आप सभी इनका स्वागत सम्मान करें। श्री अशोक कुमार जी, मेरा निवेदन अध्यक्ष और बोर्ड धन्यवाद आभार के लिए एडिशनल मैनेजर। थैंक यू। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयसर नहीं इंसान होना। मनुष्य आदमी के रूप में जन्म लेता है, लेकिन एजुकेशन शिक्षा उसे इंसान बनाती है। खुशी होती है इस विभाग में काम करते समय। परम आदरणीय बुद्धिजीवी लोगों का और वे महिलाएं भी जो भी यहाँ सम्मानित हुए, जो 39 लोग, उन सबका और साथ ही मुझे ज्ञात है कि उनके परिवार भी आज आए हुए हैं, उनका भी विभाग की तरफ से आभार। इस कार्यक्रम का प्रबंधन किया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया बंधु जो यहाँ विराजमान हैं, अदर ऑफिसर्स जो आए हैं, सबके लिए बहुत बहुत आभार। बीकानेरी थाली तैयार है, हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ भोजन से हम समापन करते हैं। आप सभी लोग विभाग की तरफ से विनम्रता पूर्वक निमंत्रित हैं करके और इसका
कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, आप सबका विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन रहेगा, सभी महानुभावों से, सभी मेहमानों से, सभी साथियों से, आप सभी के सामने परिसर में एक आयोजन किया गया आशा की से सीट तो खाली ना रखा इन जने से आने वाले किसी नहीं जान दिया संस्कृति Thank you.
जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल के इस ब्लॉग में आपने देखा शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों को सम्मानित किया गया कार्यक्रम का झलक, और पूर्व के ब्लॉग में भी आपने मंत्रालय कर्मचारियों के सम्मान का जो कार्यक्रम है वो देखा, और तीसरे ब्लॉक में आप आने वाले ब्लॉक में इसके आगे की कड़ी देखोगे शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के सम्मान स्मारक आज निदेशालय बीकानेर के द्वारा आयोजित किया गया बीकानेर में, उसकी आपने इस पूरे ब्लॉग में झलक देखी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, भविष्य में और भी अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो इन पलों को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और इन खूबसूरत पलों का आप इंजॉय करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है और उस सुहाने सफ़र में हमारे विभिन्न पलों को हम सजो करके आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आपको ये चैनल और ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।